बाजार नहीं जाऊंगी, मैं बाजार नहीं जाऊंगी। क्यों 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 नहीं जाना बाजार? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। वही तो, क्यों नहीं जाना बाजार? बाजार जाऊँ क्या क्या खरीदूँ? दाल, चावल, सब्जी, साबुन, कपड़ा। अरे किसमें लाऊँ, कहाँ रखूँ? उसमें क्या प्लास्टिक के थैले में मिलता है ना सब? अरे बहना, वही तो बड़ी समस्या है। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मेरी हरनी, मेरी हरनी, क्या हुआ तेरी हरनी को? मेरी हरनी खा, उसके खाने में प्लास्टिक के थैले जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। इसलिए मैं कह रही हूँ मैं बाजार नहीं जाऊँगी, मैं बाजार नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मेरा विषय प्लास्टिक प्रदूषण है। मेरा नाम संध्या दत्ता थोरवट है। मैं कक्षा 7वीं में जिला परिषद प्राथमिक शाला मिरखेल जिला तालुका जिला परभणी यहाँ पढ़ाई करती हूँ। आपको पता है प्लास्टिक कैसे बनता है? प्लास्टिक को पॉलीमर कहा जाता है। प्लास्टिक में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और सल्फर जैसे विभिन्न तत्व युक्त है। प्लास्टिक से मिट्टी प्रदूषण, जल प्रदूषण, हवा प्रदूषण होता है। पशु पक्षी, जलचर, पेड़ पौधे और पता है मनुष्य जाति को भी इससे बड़ा खतरा है। भारी मात्रा में प्लास्टिक से होने वाले कचरे का लैंडफिल में निस्तारण किया जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक के टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाते हैं। पेड़ पौधे प्लास्टिक के पेड़ पौधे के वृद्धि को भी प्रभावित करता है और मिट्टी की गुण तथा उर्वरकता को भी वो नष्ट कर देता है। इसके अलावा बेकार पड़े हुए प्लास्टिक के चीज़ से मच्छर, अन्य तरह के कीड़े उत्पन्न होते हैं जो कई भी तरीके की बीमारियां फैलाते हैं। जल प्रदूषण कचरे से प्लास्टिक से कचरे का पानी के स्रोत जैसे नदियां, समुद्र, महासागरों में मिल जाते हैं और इन्हें बुरे तरीके से प्रभावित करता है और इन्हें बुरे तरीके से प्रभावित करता है। प्लास्टिक के थैली, अन्य तरीके की कचरे पानी में मिल जाते हैं तो जलचर उसे अपना खाना समझकर खा जाते हैं। वो खाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है या फिर वो बीमार पड़ते हैं। इसलिए हमें कौन सा भी प्लास्टिक का जो कचरा है वो पानी में या कहीं पर जगह नहीं डालना चाहिए। हवा प्रदूषण कई लोग ऐसे हैं जो कि प्लास्टिक का कूड़ा जलाते हैं। प्लास्टिक का कूड़ा जलाने के वजह से वह प्लास्टिक से धूल और हवा में फैलता है और इसके हवा में फैलने की वजह से वायु प्रदूषण और भी ज़्यादा फैलता है। अभी गाँव गाँव अभी अभी नदी नालियों में प्लास्टिक का कचरा दिखाई देता है। इसीलिए हम और ये तो कुछ भी नहीं, लोग तो उसे जलाते भी है। इससे वायु प्रदूषण और भी ज़्यादा फैलता है। इसीलिए कि और ज़्यादा जेर झूठा द्वारा खाना जैसे कि जानवर जैसे कि गाय, भैंस, कुत्ते अपना खाना समझकर वो खा जाते हैं। वो उसमें प्लास्टिक मिला जाता है क्योंकि वो ऐसे रोड पे फेंका जाता है और उस जानवर की मृत्यु हो जाती है। और मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ और हम इससे कुछ सीख लेते हैं। टिक 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 समय खाए रे, टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे, टिक 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 समय खाए रे, टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए। सुन लो जो ना संभाले हम तो बम ए फट जाएगा, कि बहती सी ए नदिया का ए पानी रुक जाएगा। सुन ले जो ना संभाले हम तो बम ए फट जाएगा, कि बहती सी ए नदिया का ए पानी रुक जाएगा। हाँ कुदरत की ये नस नस में जहर है बस जाएगा। कल ना हो हाथों में आज मौका ना गवाए रे, टिक 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 का समय खाए रे, टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे, टिक 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 का समय खाए रे, टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे।
इस समस्या को रोकने के लिए हमने कदम उठाया है। हम अपने स्कूल में जो कि बच्चे कुछ चॉकलेट, वेफर्स, कुरकुरे जैसा ऐसा कुछ खाते हैं तो उसके रैपर प्लास्टिक के बॉटल में भर कर हम उसे फेंकने के बजाय अपने पास रखते हैं। हमने यह ऐसे बॉटल सब कक्षा में रखे हैं। जब बच्चे कुछ खाते हैं तो वो रैपर्स फेंकने के बजाय बॉटल में भरते हैं, और इससे हमारी पाठशाला तो स्वच्छ रहती है और हम पर्यावरण भी सुंदर स्वच्छ रहता है। और हमने और एक उपक्रम लेते हैं, हम इस्तेमाल हो चुकी पेन, रफील ऐसे हम फेंकने के बजाय हमने जीवो जीव सजीवनम ऐसा बॉक्स तैयार किया है। हम वो रफील पेन, इस्तेमाल हो चुकी पेन फेंकने की बजाय हम उस बॉक्स में डालते हैं, और सभी कक्षाओं में से बच्चे वो फेंकने के बजाय पेन उस बॉक्स में डालते हैं, और इससे हमें पशु पक्षी जलचर इसके बचाने में हम सहायता करते हैं। कागज़ कपड़े का उपयोग करो, प्लास्टिक पॉलिथीन से दूरी रखो, इससे होता है स्वस्थ परिसर। वसुंधरा की पुकार सुनो और स्वस्थ सुंदर जीना सीखो।